हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चिश्तिया और चिश ब्यूटी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि रिक्वेस्ट की थी फलक नाज ने ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स के लिए। तो मैं आज उनके लिए लेकर आई हूँ ऑलिव ऑयल की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑलिव ऑयल किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल हेल्पफुल है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन इसके सारे जो भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स आपको वन बाय वन बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलिव ऑयल है जिसे हम हिंदी में जैतून का तेल बोलते हैं, है ना। पुराने जो भी लोग हैं उनके मुंह से आपने जैतून ही नाम सुना होगा, है ना, जैतून का तेल, जैतून का तेल, है ना। तो आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद है, ऑलिव ऑयल जिसे हम बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक बॉटल पहले पूरी ख़त्म कर दी है और मैंने नेक्स्ट ये दो बॉटल फिर से मंगाई है। आप लोगों को पता है ये गुड वाइब्स का है ऑलिव ऑयल जो कि मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑलिव ऑयल है वो मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैतून का तेल, लेकिन इसके अंदर भी है ना काफ़ी तो अच्छे आते हैं, काफ़ी है जिनमें मिलावट आती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से मिलावट वाले हैं। जिस पर 100% हम ऑर्गेनिक या 100% प्योर देखते हैं हम वही परचेस कर लेते हैं ना। तो हमेशा आप याद रखिए कि जो भी अच्छी, जो एकदम 100% जो अच्छी प्योर चीज़ होती है उस पर लिखा होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जैसा कि आपको गुड वाइब्स का जो ये है इसके ऊपर क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलिव ऑयल कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कोल्ड प्रेस्ड है ना। तो इट मीन्स ये जो ऑयल है ये आपका बहुत ही अच्छा प्योर ऑयल है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी लोग इसी के अंदर खाना बनाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि अरब जो कंट्री है वहाँ पर जो लोग हैं वो ऑलिव ऑयल में ही खाना बनाते हैं, और हमारे यहाँ पर भी काफ़ी लोग ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट सारे आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट बेनिफिट्स है कि आपकी बॉडी में जितना भी फैट है ना वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस होता है इसे यूज़ करके। तो आप जो ऑलिव ऑयल है इसके अंदर मौजूद होता है मोनोसैचुरेटेड फैट जो कि पेट की चर्बी और वजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। अपनी पेट की चर्बी कम करनी है तो इसे आप एवरी डे यूज़ कर सकते हैं। एवरी डे मॉर्निंग में आप इसे 1 से 2 चम्मच इनटेक कर सकते हैं, तो आपकी जो बॉडी की जो चर्बी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। बिकॉज इसके अंदर जो एक पदार्थ मौजूद होता है ऑलिव ऑयल के अंदर जो कि आपकी चर्बी फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड जो सेकंड बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग है, जैसे काफ़ी लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो आपकी उस जगह पर जहाँ स्वेलिंग है वहाँ पर आप ऑलिव ऑयल को लेके हल्का सा गुनगुना करें और वहाँ पर आप इसकी हल्की सी मालिश करेंगे तो धीरे 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 आपके जो सूजन है वो भी आपको बहुत ही मतलब उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सूजन भी बॉडी की दूर होती है, साथ ही साथ ये आपकी और भी काफ़ी बीमारियों को, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपने नाम सुना होगा जैसे कि कैंसर है, अल्जाइमर है, मधुमेह है और डायबिटीज़ है, इन सभी के अंदर हृदय रोग हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं बीमारियाँ, इन सभी से भी छुटकारा मिलता है अगर इसका कंटिन्यू यूज़ करें। अब मैं बात करने वाली हूँ हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बालों के लिए। बालों के लिए किस तरह से जैतून का तेल सबसे अच्छा लाभदायक होता है। जैतून के तेल में फैटी एसिड और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ ही साथ विटामिन जो ई है वो भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे जो ड्राई हेयर होते हैं, फ्रेजी हेयर होते हैं, हमारे हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये इन सभी को मतलब दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जो दो मुंहे बाल होते हैं इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। जब आप नाइट में सो रहे हैं आपको अपने पूरे हेयर पर ऑलिव ऑयल आप अच्छे से लगाइए और जो आपके हेयर की जो लेंथ होती है नीचे यहाँ पर जहाँ पर ये हेयर के जो एंड्स हैं जहाँ पर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना, तो स्प्लिट एंड्स पर आप ऑलिव ऑयल खूब सारा ज़्यादा लेकर लगाइए, आपका मतलब कुछ ही दिनों में आपके स्प्लिट एंड्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, एवरी डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ऑयल भी बताया था आपको याद होगा, एक ऑयल मैंने घर पे बनाया था जिसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके मैंने ऑयल बनाया था, वो बहुत अच्छा ऑयल है। मैं अभी भी मैंने जब बनाया था ना तब से मैं उसी ऑयल को कंटिन्यूसली लगा रही हूँ। एक बार मतलब बीच में ख़त्म भी हो गया मैंने वापस से बना लिया है और उसी ऑयल को मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी उसको बना कर रख लीजिए, मेरा हेयर फॉल की प्रॉब्लम
काफी दूर हो गई है उसको यूज करने के बाद, ये बालों के लिए काफी अच्छा है ऑलिव ऑयल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि बिल्कुल जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो एकदम लेवल मतलब जो होता है वही होना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका जो हृदय है वो भी एकदम सेफ रहेगा। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब खाने में इंटेक कर सकते हैं, खाना बनाए तो आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फेस के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए ऑलिव ऑयल कैसा है। तो हमारी स्किन के लिए ऑलिव ऑयल बहुत 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 ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो अब हम मैं बताती हूँ किस तरह से है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्किन के लिए जो ऑलिव ऑयल है वो एक तरह से मॉइस्चराइजर का काम करता है, एक तरह से हम इसे मॉइस्चराइजर बोल सकते हैं। ये बोल सकती हूँ कि इसके अंदर जो ऑलिव ऑयल है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई एंड फैटी एसिड होता है, जिसकी वजह से अगर आप एवरी डे नाइट में सोने से पहले 4 से 5 बूंदे इसकी लेकर अपने पूरे फेस पर अच्छे से आप बहुत ही अच्छे से आप मसाज करके सोते हैं तो ये बहुत ही मतलब आपकी स्किन से जो झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, आपके रिंकल्स आ रहे हैं तो, और आपके जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें दूर करता है और इसके साथ आपकी स्किन को ग्लोई और हेल्दी बनाता है। तो आपकी स्किन के लिए ऑलिव ऑयल बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरा कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, आप ऑलमंड ऑयल यूज़ नहीं करते बिकॉज ये एक्सपेंसिव आता है, तो अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। इसमें विटामिन ए, ई और फैटी एसिड तीनों पाए जाते हैं जिससे आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी बनेगी। तो आप ये एवरी डे नाइट में सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जिनकी ऑयली स्किन है वो लोग यूज़ मत करिएगा, अगर ऑयली स्किन है फिर आप उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तो वो आपको पिंपल्स की शिकायत हो सकती है। तो अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप लोग इसे नहीं लगाएं, ठीक है। और एक आपने एक जो नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपने ब्लड प्रेशर का तो नाम सुना ही होगा, बीपी, बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, मतलब ये आम इंसान की प्रॉब्लम हो गई है। आजकल हर एक को बीपी की शिकायत होने लगी है। तो अगर आप खाने में ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आप खाना अपना जो सब्जी है वो ऑलिव ऑयल के अंदर बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होगी, कम होगी और आपका जो बीपी है वो एकदम नॉर्मल रहेगा, ना तो हाई होगा ना लो होगा। तो धीरे धीरे ये भी एक शिकायत दूर होती है इसकी वजह से। बेनिफिट है, नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। अगर किसी को हड्डियों की शिकायत है, कहीं पर बॉडी में दर्द होता है, जैसे भी एज एक एज होती है उसके बाद में, जैसे एज मतलब जो एजेड लोग हैं उनके काफ़ी लोगों के आपने देखा होगा घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, तो आप ऑलिव ऑयल की मसाज करिए अपने घुटनों पर, हड्डियों पर ऑलिव ऑयल की मसाज करिए। छोटे बच्चे हैं तो उनकी जब आप मालिश करते हैं तो ऑलिव ऑयल से मालिश करिए, उनकी हड्डियों बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, हड्डियों की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी और हड्डियों को मतलब काफ़ी मजबूत बनाता है ये ऑलिव ऑयल। और इसके इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो भी कम होता है। एंड जो नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है दिमाग के लिए, दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल से अपने पूरे स्कैल्प पे मसाज करें, ऑलिव ऑयल को आप खाएंगे तो भी अच्छा है। अगर आप इसे मालिश करेंगे अपने सिर में, स्कैल्प में, तो ये अंदर की तरफ अंदर जाएगा और आपको डिप्रेशन की शिकायत, टेंशन की शिकायत दूर होगी और आपका जो दिमाग है वो काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो इस ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। और इसके अगर मैं और भी आपको इसके इतने सारे बेनिफिट हैं कि अगर मैं आपको इनके बहुत सारे बेनिफिट बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम मैं फिर और भी बताऊंगी। लेकिन आज के लिए जो मैंने टॉपिक्स जो लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए सभी इंक्लूड मैंने कर लिया है। तो ये ऑलिव ऑयल बहुत बेस्ट है। और अगर आपको कहीं पर अच्छा नहीं मिल रहा है, प्योर नहीं मिल रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है मार्केट से आप लेके आएंगे तो कि आई डोंट नो अच्छा है या नहीं है, तो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग सीधा ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 165 रुपीज़, और मुझे ये ऑफर में मिला है, लोग 50% कितना होगा इसका, मुझे ये 80 रुपीज़ में ही मिला है, 85 या 80 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। क्योंकि पर्पल पे अभी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं जिसके अंदर आप अगर 10 कोई भी 10 चीज़ें लेते हैं, मतलब कोई भी आइटम, तो उसमें आपको डायरेक्टली 50% ऑफ हो जाएगा सभी पर। तो ये इसलिए मैंने 2 मंगा लिए और मुझे ओनली 80 रुपये में आई थिंक मिला है, जो कि है इसका टोटली ये 100 ml की है, ये जो आपको दिख रहा है ये 100 ml है और दोनों पैक्ड है, अभी आप देख सकते हैं क्योंकि पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, होप सो वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, सभी के साथ शेयर करना, शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा और सभी को फ़ायदा मिलेगा इसका। तो आप सभी के साथ इसे
शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी लोग इसके बेनिफिट्स को जान सकें, पहचान सकें और अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं अभी तक आपने, अब अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, ओनली व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, अगर आप किसी तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप मुझे लिखकर दे सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस पर वर्क करूँगी, आपके लिए अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट लेकर आऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, बाय।